नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी को 10 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन इसके चर्चे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। शादी से लेकर रिसेप्शन की तस्वीरें अभी भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं, जिसमें दीपिका और रणवीर के अलावा दोनों परिवार के दूसरे लोग भी लाइमलाइट में आ गए हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर जिसका नाम है वो है रणवीर की साली यानी अनीशा पादुकोण और दीपिका की ननद यानी रितिका भवनानी। वैसे तो ये दोनों ही लाइमलाइट से दूर रहती हैं, लेकिन शादी के चलते दोनों सुर्खियों में बनी हुई हैं। इंटरनेट पर अनीशा और रितिका की तस्वीरें आग की तरह फैल रही हैं। इटली में शादी से लेकर बेंगलुरु में रिसेप्शन पार्टी में दोनों का लुक सोशल मीडिया पर छाया रहा। बीती रात रितिका ने अपने भाई भाभी के लिए वेडिंग डीजे पार्टी रखी, जिसके लिए उन्होंने तमाम बंदोबस्त किए थे। इस पार्टी के बाद रितिका के चर्चे और भी ज्यादा तेज हो गए हैं। पार्टी में दीपिका एक बार फिर सभ्यसाची के डिजाइन किए हुए लहंगे में नजर आई। वहीं रणवीर ने मनीष अरोड़ा के डिजाइन किए हुए कपड़े पहने थे। इस पार्टी के कुछ तस्वीरें और वीडियोज सामने आए हैं। इन वीडियोज में दीपिका और रणवीर के अलावा रितिका भी जमकर नाचती हुई नजर आई। एक वीडियो में रितिका लुंगी डांस गाने पर भी डांस करती नजर आई। बता दे, रितिका रणवीर की बड़ी बहन है और एक माँ की तरह ही उनका ख्याल रखती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रणवीर उन्हें दीदी नहीं बल्कि छोटी माँ बुलाते हैं। दोनों के बीच बचपन से ही काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही। रणवीर की शादी के दौरान रितिका पूरे समय अपने भाई भाभी के साथ रही। इसके अलावा बेंगलुरु रिसेप्शन में भी रितिका नेवी ब्लू कलर के आउटफिट में देखी गईं। खूबसूरती के मामले में रितिका भी अपनी भाभी दीपिका से कम नहीं है। बात करें डीजे पार्टी की तो उसमें उन्होंने मरून कलर का कुर्ता पहना। यहाँ भी वो हमेशा की तरह खूबसूरत नजर आ रही थी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।